दोस्तों आजकल आप एक कंपनी का नाम सुन रहे होंगे, इंडिया की तो कंपनी वो है नहीं, लेकिन इंडिया में भी आप उसका मोबाइल खरीद सकते हैं। वो है एस्कोबार कंपनी। मतलब एस्कोबार से आप समझ गए होंगे, पैब्लो एस्कोबार, नार्कोस, समझ गए होंगे आप। सीरीज, वेब सीरीज बहुत अच्छी थी, लेकिन ये कंपनी उतनी अच्छी नहीं है। तो वो क्यों नहीं है, मतलब आप MKBHD की अनबॉक्सिंग देख रहे होंगे, आपने मिस्टर हू द बॉस की अनबॉक्सिंग देखी होगी, जो उन्होंने अभी हाल ही में एस्कोबार का मोबाइल उन्होंने अनबॉक्स करा है, और आपने टेक्निकल गुरुजी की वो फोल्ड 2 एस्कोबार वाली वीडियो देखी होगी, आपने ट्रैकिंग टैक की आपने वीडियो देखी होगी, उन्होंने भी एस्कोबार का जो फ़ोन है वो अनबॉक्स करा था। लेकिन ये कंपनी है क्या, मतलब इसकी हिस्ट्री क्या है, मतलब कोई इसके बारे में इतना जानता नहीं है। तो मैं आपको शॉर्ट में अच्छे से समझाने वाला हूँ कि ये कंपनी क्या है और कैसे काम करती है। तो ज़्यादा किसी को वीडियो नहीं देखनी ना, तो शॉर्ट में बता देता हूँ कि ये एस्कोबार कंपनी असल में वो कंपनी है जैसे हमारी इंडिया में फ्रीडम 251 थी। लेकिन आप जानना चाहते हैं कि इसने क्या क्या गुल खिलाए, क्या क्या करा है, तो उसके लिए आप ये पूरी वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसने सबसे पहला मोबाइल लॉन्च करा था एस्कोबार फोल्ड, मतलब जो 1 था, ठीक है, जिसको हम 1 कहते हैं टेक्निकली। तो वो मोबाइल लॉन्च कर रहा था और उन्होंने बहुत हाइप बनाई थी, मतलब काफ़ी सस्ते में दे रहे थे, $400-500 के आसपास दे रहे थे। लेकिन वो मोबाइल उन्होंने बनाया ही नहीं था। एक्चुअली एक मोबाइल आया था, फोल्डेबल मोबाइल आया था, जो कि था रॉयल फ्लेक्स पाई। आपने शायद नाम सुना हो, नहीं सुना हो तो मैं बता दूं कि एक कंपनी है, उसने फोल्डेबल फ़ोन बनाया था रॉयल फ्लेक्स पाई। उसी को ढाप के, मतलब ढापना भी गलत बोलूँगा मैं, उसके ऊपर बस एक सोने की परत चढ़ा दी। तो जो एस्कोबार कंपनी है, शायद उसने मिठाई वालों की दुकान से ही 200-200 रुपए की पन्नियाँ खरीद ली थी गोल्ड वाली, और शायद उसके ऊपर चढ़ा दिया था और लोगों को बेचना शुरू कर दिया। लेकिन वो मोबाइल किसी को मिला ही नहीं जिन लोगों ने ऑर्डर करा था। तो सब लोगों को लगा ये स्कैम है, मतलब सिंपल सा एक फ्रॉड हुआ है हमारे साथ, और हमारे जितने पैसे थे वो चले गए हैं, तो आगे से हम ऐसी कंपनी में भरोसा नहीं करेंगे। और सब लोगों को लगा था कि बस ये फ्रीडम 251 जैसी ही थी कि एक बार आई, आप लोगों से पैसे ऐठे और फुर चली गई, मतलब पैसा कमा के चली गई। लेकिन ऐसा नहीं हुआ एक्चुअली, मतलब इनका स्कैम का लेवल बहुत ही अलग लेवल पे चल रहा है, मतलब अजीब ही। इन्होंने फिर दूसरा मोबाइल निकाला, मतलब एस्कोबार फोल्ड 2, और हैरानी होगी जान के कि वो क्या करा उन्होंने, उन्होंने सैमसंग का फोल्ड 2 को ही रीब्रांड कर दिया। मतलब रीब्रांड भी मैं गलत बोलूंगा, उन्होंने फिर से वो मिठाई वाली पन्नी उसके ऊपर चिपका दी, और वो जो मोबाइल था शायद $2000 का था फोल्ड 2। और मैंने एक छोटा सा रिव्यू भी करा है फोल्ड 2 पे, मैंने यूज़ करा था, मुझे अच्छा लगा था वो मोबाइल, मतलब ठीक लगा था, बढ़िया लगा था। तो उसकी वीडियो आप यहाँ पर आई बटन पर कहीं ऊपर घूमती घूमती देख सकते हैं, तो उस पर वीडियो देख लेना। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, तो जो एस्कोबार कंपनी थी उसने वही मिठाई की दुकान वाले से पन्नी चढ़वाई उसके ऊपर सोने वाली, और उसको बेचना शुरू कर दिया आधे से भी कम, मतलब $500-600 के करीब बेचना शुरू करा था। आपके पास स्क्रीनशॉट ऊपर आ जाएगा, मतलब वीडियो पे, तो उस पर आप प्राइस देख लेना। तो उस पर बेचा, और सिर्फ बेचा नहीं, जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, आप MKBHD ले लीजिए, मिस्टर हू द बॉस ले लीजिए, अनबॉक्स थेरेपी ले लीजिए, टेक्निकल गुरुजी ले लीजिए, ट्रैकिंग टेक ले लीजिए, इन सबको उसने रिव्यू यूनिट्स भेजे, मतलब सीरियसली उन्होंने रिव्यू यूनिट्स भेजे। और कई लोगों ने उसको पता चला कि जो पीछे का था, जो उन्होंने फोल्ड 2 जो उन्होंने बनाया एस्कोबार फोल्ड 2, वो असल में सैमसंग फोल्ड 2 था। जब उन्होंने पूरी, मतलब आगे से तो पता चल रहा था कि ये सैमसंग फोल्ड 2 ही है, उन्होंने पीछे हटाई पन्नी तो पता चला ये सैमसंग फोल्ड 2 ही है। उन्होंने वही, मतलब कितना मुश्किल होगा कि एक मिठाई वाले की दुकान की सोने की पन्नी हटाना, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, थोड़ा सा खुरचना पड़ता, थोड़ी सी पावर बस निकल आती है वो। तो जब निकली, मतलब सबने निकाली, MKBHD हो गया, मिस्टर हू द बॉस हो गया, उन सब लोगों ने निकाली, पर पता चला कि ये स्कैम कर रही है, मतलब उनको पहले भी पता था। तो MKBHD ने इसके ऊपर पूरी वीडियो बना रखी है, अगर आपको देखनी है तो उसका भी लिंक मैं यहाँ पर कहीं आई बटन पे दे दूंगा, तो वो आप देख लेना। और इसके साथ क्या हुआ कमाल की बात, कि उन्होंने एक वेबसाइट लॉन्च करी ripsamsung.com पे, मतलब RIP, रेस्ट इन पीस वाला रिप, तो उन्होंने वो लॉन्च करी, और वो रीडायरेक्ट होती थी जो एस्कोबार वाली वेबसाइट थी जिस पे फोल्ड 2 बिकता था, उस पे रीडायरेक्ट होती थी। मतलब एक तरीके से सैमसंग का मजाक बनाया कि हम तुम्हें उठा के फेंक देंगे, मतलब रिप, रेस्ट इन पीस कर देंगे तुम्हें। तो ये हो गया ये चीज़। उसके बाद कुछ महीने बाद फिर आती है ये कंपनी और फिर लाती है गोल्ड आईफोन 11 मैक्स प्रो मैक्स, पता नहीं कैसे नाम रखते हैं ये आईफोन वाले। तो आईफोन 11 मैक्स प्रो ये लाते हैं और कहते हैं कि हमने इस पर 24 कैरेट गोल्ड चढ़ा रखा है, मतलब 24 कैरेट सोना। और इस जो आपका आईफोन है, जो आपको पता है कि जो उसका सबसे बड़ा वेरियंट है, वो अराउंड
$1,500 के आसपास आता है, $1,400 पता नहीं कितना है, इतना ही है कुछ। तो वो जो मोबाइल है वो इतना महंगा आता है, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, आईफोन को उसी में मतलब उसके ऊपर सोने की परत चढ़ी हुई है 24 कैरेट की, मतलब बिल्कुल प्योर गोल्ड वो चढ़ी हुई है, और वो मिल रहा है $400 से $500 का। मतलब इतना सस्ता कैसे, हाउ, मतलब कैसे। एक्चुअली हम सबको पता है कि वो किसी को मिलने वाला नहीं है, क्योंकि अगर आप ऑर्डर करोगे तो आपके पैसे गए, आपको कभी भी नहीं मिलेगा। वो सीरियसली फ्रॉड चल रहा है, मतलब फ्रॉड क्या चल रहा है, वो फ्रॉड है और स्कैम चल रहा है, मतलब एक तो उस पर बिल्कुल भी पैसा मत लगाना। और अभी भी iPhone 11 Max Pro उसने MKBHD और मिस्टर हुसैन बॉस को भेज दिया, और शायद इंडिया में टेक्निकल गुरुजी और ट्रैकिंग टैग को भी भेज देगा। तो ये है इसकी हिस्ट्री, समझ रहे हो ना, मतलब ये चीज़ ये कर रही है। और अभी आया है iPhone 11 Max Pro, अभी आया बिल्कुल, मतलब कुछ ही दिन हुए, शायद 2 दिन ही हुए होंगे MKBHD को वीडियो डाले हुए और मिस्टर हुसैन बॉस को वीडियो डाले हुए। और कमाल की बात यह है कि उनकी जो वेबसाइट है उसमें से उन्होंने एस्कोबार फोल्ड 1 और एस्कोबार फोल्ड 2 बिल्कुल ही हटा दिया, मतलब जैसे उन्होंने कभी इन प्रोडक्ट्स को लॉन्च ही नहीं करा था, मतलब बिल्कुल हटा दिया। और उनकी वेबसाइट में सिर्फ अभी एक मोबाइल देखने को मिल रहा है, और वो है iPhone 11 Max Pro 24 कैरेट गोल्ड। लेकिन भाई वो गोल्ड नहीं है, वो 24 कैरेट नहीं है, वो एक्चुअली वो अपने मिठाई वाले भैया की पन्नी है जो 200-200 रुपये में उन्होंने चढ़वा दी। तो आप समझ रहे हैं कि कितना बड़ा स्कैम चल रहा है, और कई लोग इसके झांसे में आ रहे हैं। क्योंकि क्यों आ रहे हैं मैं आपको बताता हूँ, एक iPhone 11 Max Pro 512 GB कितने का है, मतलब 256 GB भी ले लो कितने का होगा, $1,000 से भी ऊपर का है, $1,200 के करीब का है। अब वहीं आप आ जाओ ये एस्कोबार iPhone 11 Max Pro 24 कैरेट गोल्ड मिठाई वाला डब्बा, तो ये है आपका $400 से $500, मतलब आधे से भी कम कीमत में मिल रहा है। तो क्यों, कैसे मिल, पहली बात तो कैसे मिल रहा है, मतलब कैसे मिल रहा है, मतलब कैसे कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात, ये रिफर्बिश फ़ोन है, मतलब ख़राब फ़ोन है, मतलब कुछ ना कुछ इसमें रिपेयर हुआ है उसके बाद आपको दे रहे हैं। तो मतलब ऑफकोर्स अगर बाई चांस आपको भूले भटके से भी, मतलब अगर इन कंपनियों में ज़रा से भी दरिया दिली आ जाती है और वो आपको मोबाइल शिप कर देती हैं, तो मेरे भाई उस मोबाइल में कुछ ना कुछ कमी होगी, और नहीं होगी तो पहले बता दूं कि रिपेयर हुआ होगा, स्क्रीन बदली होगी, कैमरा रिपेयर हुआ होगा, बैटरी रिपेयर होगी, वरना बैटरी ख़राब भी हो सकती है, तो ये भी होगी। और साथ में आपको मिठाई की पन्नी भी मिलेगी। और ये जो लोग कह रहे हैं एस्कोबार वाले जो कह रहे हैं कि 24 कैरेट गोल्ड है भाई उसके अंदर, 24 कैरेट गोल्ड, तो भाई अगर वो गोल्ड असलियत में होता ना, तो जितनी कीमत है ना उतना सिर्फ गोल्ड ही होता उस मोबाइल में, मतलब जिस जितनी मोबाइल की कीमत है। तो स्कैम इतने बड़े लेवल का चल रहा है एक्चुअली, और बाहर ही चल रहा है, इंडिया में इतना नहीं चल रहा है। शायद ही कोई हो सकता है जिसने इंडिया के अंदर कोई बेवकूफ़ ने एस्कोबार का कोई मोबाइल लिया होगा, और ये पता नहीं कब तक चलेगा स्कैम, मुझे नहीं पता। अगर उनके 2-4 मोबाइल भी स्कैम से बिक जाते हैं तो उनको प्रॉफिट होगा, ऑफकोर्स प्रॉफिट होगा। 2-4 तो मैंने बहुत कम बोल दिया, बहुत बड़ी आबादी है इस दुनिया की, और अगर कई हज़ार बिक जाते होंगे, मुझे लगता है कि बहुत पागल लोग हैं इस दुनिया के अंदर जो कि स्कैम के चक्करों में आ जाते हैं। मैं पागल नहीं बोलूँगा, एक्चुअली उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, वो भोले हैं एक्चुअली। पागल बोलना ऐसा गलत वर्ड, मतलब बैड वर्ड, गंदी बात होती है वो बोलना। तो मेरे भाई समझने की कोशिश करिए कि, तो आप समझ गए होंगे कि ये स्कैम क्या चल रहा है। और आप इसमें फॉरनर्स को दोष नहीं दे सकते कि देखो अंग्रेज़ कितने बेवकूफ़ हैं, हाँ मतलब एस्कोबार इतनी बड़ी फ्रॉड कंपनी है, सारे टेक यूट्यूबर्स भी बोल रहे हैं हाँ मतलब कितनी बड़ी फ्रॉड कंपनी है, फिर भी लोग इसके झांसे में आ जाते हैं कैसे, मतलब ये कैसे मुमकिन है। तो मेरे भाई याद रखो, हम वही लोग हैं जिन्होंने फ्रीडम 251 को इतना ऑर्डर करा था ना, मतलब इतनी बार उनकी वेबसाइट पर गए थे कि वेबसाइट क्रैश हो गई थी, नंबर नहीं लग रहे थे ऑर्डर करने के लिए। सोचो, याद है फ्रीडम 251 251 रुपये में मोबाइल दे रहे थे जो कि इम्पॉसिबल, और हम लोग झांसे में आ गए, और करोड़ों लोग आए, मतलब किसी को मोबाइल नहीं मिला, शायद किसी को मिला, वो भी गवर्नमेंट का प्रेशर आने के बाद, वरना किसी को मोबाइल भी नहीं मिला मेरे भाई। लेकिन आप फिर भी सोचिए कि हम इतने सस्ते फ़ोन में आ गए, मतलब जिसका कोई सर पैर नहीं है, वो तो फिर भी ऐसा लगता है कि एक जेन्युइन प्रोडक्ट है, मतलब एक असली प्रोडक्ट है। तो इसमें हम उन लोगों की गलती नहीं करेंगे, लोग भोले होते हैं, मासूम होते हैं, तो ऐसी चीज़ों में आ जाते हैं, उन लोगों को इतनी नॉलेज नहीं होती है। तो आप समझ गए ना कि इस पूरी एस्कोबार का स्कैम कैसा चल रहा है, मतलब बढ़िया चल रहा है, फर्स्ट क्लास चल रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में एस्कोबार भी काफ़ी सारे मोबाइल लॉन्च करेगा, अभी जो सैमसंग के और फोल्ड फोन आएंगे उनको भी कॉपी नहीं करेगा, उन्हीं को एस्कोबार का ठप्पा लगा के सोने की पन्नी 200 रुपये वाली वो आपको दे देगा, और फिर आप उसके स्कैम में शायद आ सकते हैं। लेकिन इंडिया में शुक्र है कि ये स्कैम नहीं है, फालतू के लोगों के पैसे बर्बाद नहीं होते, ये भारी है तो भारी अच्छी है, इंडिया में आने भी नहीं चाहिए, वरना मुझे पता है कई लोग बेवकूफ़ बन सकते हैं, बहुत बड़े वाले,
स्कैम के अंदर, तो इंडिया के अंदर ये नहीं आए। लेकिन एस्कोबार का ये सारा स्कैम कब तक चलता है तो देखते हैं। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने सोचा इसके ऊपर वीडियो बना दूँ क्योंकि अभी शाम में मेरे एक दोस्त से बात हो रही थी और वो इस एस्कोबार कंपनी के बारे में ही बात कर रहा था, तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं अपने वीडियो पे, मतलब अपने चैनल पे ये वीडियो बनाऊं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, किस बारे में वीडियो बनाऊं वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे आइडिया दे सकते हैं। और मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बस यहीं तक थी। सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज लाता रहता हूं। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्प्रेड पीस लव एंड हैप्पीनेस।